नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। माउंट आबू में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बुधवार को रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। ग्लोबल अस्पताल परिसर में आयोजित शिविर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 156 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। 6 घंटे चले रक्तदान शिविर में शहर के तमाम राजनीतिक, गैर राजनीतिक, समाज सेवी, व्यापारी संगठन से जुड़े लोग, CRPF के जवानों और युवाओं ने ब्लड डोनेट किया। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर माउंट आबू में तैयारियां पूरी हो गई हैं। SDM राहुल जैन के निर्देश पर ध्वजारोहण के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन और व्यवस्था को लेकर सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी विभागों के अध्यक्ष अपने ऑफिस के भवन में सुबह 8:30 बजे ध्वजारोहण करेंगे और रात को रोशनी से सजावट करेंगे। मुख्य समारोह स्थल पोलो ग्राउंड में सुबह 9:30 बजे ध्वजारोहण होगा। इसके बाद परेड, झांकी, देशभक्ति के गीत व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन विभाग राजस्थान के निर्देश पर 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में तहसीलदार देलदर मनोहर सिंह और पालिका अध्यक्ष जीतू राणा मौजूद रहे। अखिल भारतीय भारत रत्न सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय सेवा समिति ने नेताजी की 126वीं जन्म जयंती पर पराक्रम दिवस एवं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सिरोही कलेक्टर का सम्मान किया गया। कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए नेताजी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लुम्बाराम मेघवाल और नेताजी फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर ऑफिस में नेताजी सुभाष अवार्ड से सम्मानित किया। हिल स्टेशन माउंट आबू में अब बर्फ जमने लगी है। लगातार तापमान में गिरावट के बाद अब यहां लोगों को तेज सर्दी का एहसास होने लगा है। बुधवार को न्यूनतम तापमान -3 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं अधिकतम तापमान 0.5 डिग्री बढ़कर 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय सिरोही की ओर से राजकीय महाविद्यालय सिरोही के सेमिनार हॉल में आयोजित 3 दिवसीय डिजिटल मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के दूसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम समाप्ति महेंद्र मेवाड़ा, अग्रणी जिला प्रबंधक उम्मेद राम मीणा, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी गणपत सिंह देवड़ा, योग विशेषक भीक सिंह भाटी के आतिथ्य में आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह पर होने वाले कार्यक्रमों का मंगलवार को शहर के अरविंद पेवेलियन पर फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। इसमें ADM कालूराम खोड ने ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। सारणेश्वर महादेव मंदिर के पास ब्यावर पिंडवाड़ा फोरलेन पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। नव परगना रेबारी समाज छात्रावास के निम्बाराम देवासी ने बताया कि फोरलेन पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक चालक भारुंदा निवासी धनाराम देवासी घायल हो गया। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री MS बिट्टा सुबह जोधपुर पहुंचे। रात्रि विश्राम के लिए शाम 4 बजे पावापुरी तीर्थ जीव मैत्री धाम आए। देवनगरी इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।